आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान। जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान। जब एक रेपिस को बचाने के लिए, जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है, नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। आप वो लोग हैं जो किसान का काला कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। एक साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूँ। मैं भी महिला हूँ और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। वंदना, आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। वंदना, हम महिलाओं की, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, जितनी भी पुरुष मानसिकता है, महिलाओं की वंदना इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान। जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान। जब एक रेपिस को बचाने के लिए, जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए। दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। ये हमारी करुणा है, हमारी ममता है कि हम आपको, अपने आप को आपके सामने दया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी करुणा है। हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पुराना सदन है वो घड़े का पानी है और ये जो नया है रेफ्रिजरेटर का पानी है। और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं। बस इतना फर्क है। ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फर्क इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है। मैं जरूर बोलूंगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। 13 साल से हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान से हम वंचित हैं। लेकिन मुझे आपके इस बिल में शड्यंत्र नजर आता है। 13 साल से राज्यसभा में हम लोगों ने पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं, आज आप इसको लेकर आए हैं। अरे प्लीज सुनिए ना, आज आप इसको लेकर आए हैं 9.5 साल के बाद। 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफेस्टो में था महिला आरक्षण देना है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था, जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है।
तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल कि अगर हम ये नहीं कहते तो आप पीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मार दिए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वो लोग हैं जो किसान का काना कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। एक साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूं कि फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में यह परिसीमन की, यह जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या यह चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है? मैं आपसे आपकी नियत और अपने कांग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। आप महिमा मंडल कर रहे हैं कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 9 मार्च 2010 में जब UPA 2 राज्यसभा में जब यह बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के एक साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था, 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था, हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू के एक संक्षिप्त शब्दों को याद करना चाहती हूँ, कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है वो डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया, वो भी ट्राइबल। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं? मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमारा जो महिलाओं को मजबूत करने का जो महिला का बिल था, वो यूपीए 2 में जो राज्यसभा में पास हुआ, हम चाहते हैं कि ये जो आपने नारी शक्ति का वंदन विधेयक का नाम दिया है, इसको समानता का अधिकार दे, हमें वंदना और पूजा नहीं करें। इसके साथ मैं आपसे जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो, SC ST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले, क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं संघर्ष करके आई हैं, कल भी आ जाएंगी, हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस राजनीति के फील्ड में, इस मैदान में एक अकेली महिला अगर वो समाज के लिए अच्छा भी करती है, लेकिन इस राजनीति के दलदल में उसका अकेले कूदना, संघर्ष करना आज भी बहुत जटिल है, क्योंकि अगर महिला मजबूत है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, अपनी राय रखना चाहती है, वो जो पुरुष मानसिकता है उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं, मैं अपनी पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी कि जब मणिपुर की घटना घटी, जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, आपका समय समाप्त हो रहा है। समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपनी महिला मंत्रियों को कि उनको कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी।
चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी, हिम्मत ना थी उफ करने की। अब बदल गई है ये पहचान, अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी ओलंपियन पीटी उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था, जब मैं पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी, मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था, कि मुझे पीटी उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। यही कह के मैं, ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि ये आपके झोले में पिटारे में चला नहीं जाए। और ये जो 2019 का आपने झुंझुना पकड़ाया है, अगर सही मायने में आप महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो कुछ तोड़ निकालिए और ये परिसीमन और जनगणना से पहले महिलाओं का हक उनके सामने रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।